हे एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग से और मैं पीऊँगी जस्ट मेरी इवनिंग टी एंड उसके बाद मैं इनका सिलेबस देखूँगी, बच्चों का हॉलीडे होमवर्क का सिलेबस है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय पीते पीते मैं बच्चों का जो सिलेबस है वो भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आज से इनकी पढ़ाई मैं शुरू करवाऊँगी। इतने दिन इनको मैंने नहीं पढ़ाया था, हॉलीडेज़ के इनके शायद 10 डेज हो गए हैं हॉलीडे लगे हुए, तो अब पढ़ाना इनको ज़रूरी हो गया है। मैंने थोड़े दिन इन्हें फ्री रहने दिया था कि खेलने दिया था कि चलो हॉलीडेज़ है तो। सो गाइस, ये इनका सिलेबस और ये है मेरी चाय। तो अब मैं मेरी चाय भी पीऊँगी और इनका सिलेबस भी चेक करूँगी और फिर इनको पढ़ाऊंगी और आगे का ब्लॉग देखते हैं। यहाँ पर इनका सिलेबस देख रही हूँ मैं और मैंने अपनी चाय भी यहाँ पर फिनिश कर दी और अब सुखी बगी कर रहे हैं, दोनों पढ़ने आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं सुखी को जो है अलग से पढ़ाने के लिए लेकर आ गई थी, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ाना कभी कभी एक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक साथ पढ़ाने से, क्योंकि सेम क्लास में है तो मुझे कभी कभी दोनों को अलग अलग लेना पड़ता है। इसलिए मैं सुखी को इधर लेकर आ गई थी और अलग से इसको पढ़ा रही थी। और ये बकी भी अब इधर आ गया है क्योंकि ये अकेला नहीं पढ़ता है, तो ये भी अब इधर आ गया है और बकी अपना सॉल्व कर रहा है, सुखी भी। और अब इधर ही मैं दोनों को ही देख रही हूँ, हॉल से दोनों रूम में आ गए। और ये मैंने इवनिंग स्नैक में जो है भेलपुरी बनाई थी, भेलपुरी खा के तो ये इवनिंग स्नैक था हमारा आज का। और यहाँ पर हम तीनों भेलपुरी खा रहे हैं अपनी और मैं इनसे थोड़ी बात भी कर रही हूँ और ये कैमरे को देख के थोड़ी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। और इवनिंग में थोड़ा सा स्नैक टाइम मैं निकालती हूँ, इनके साथ खाती हूँ मैं और इनके साथ थोड़ी बात भी करती हूँ और ये अपना भेलपुरी ख़त्म करके मस्ती करने लग गए हैं इधर खुद ही कैमरे में। और खेल रहे हैं दोनों यहाँ पर। यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी भेलपुरी जो है दोनों ने छोड़ दी है। Hey guys, सुखी बकी अब चले गए हैं भेलपुरी खा के बाहर खेलने के लिए और अब हम बस थोड़ी ही देर में निकलेंगे सुखी बकी की क्लासेस के लिए, जो कि रहेंगी मार्शल आर्ट्स की। और बात करके आते हैं और इनको ज्वाइन करवानी है। तो हॉलीडेज़ हैं, हॉलीडेज़ में इनको मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करवा देती हूँ और फिर देखती हूँ और क्या ज्वाइन करवाना है इन्हें। अभी तो फ़िलहाल वो बाहर खेल रहे हैं जाकर। गाइज, मैंने चेंज कर लिया है और मैंने थोड़े से बालों को स्ट्रेटन किया है और मैं रेडी हूँ। मे बी डिनर के लिए कुछ सब्जियाँ वगैरह भी लेकर आए तो पता नहीं है, शॉपिंग कर सकते हैं। सो चलते हैं इनके मार्शल आर्ट्स के लिए। Thank you.
यहाँ पर हम सुकीबकी के मार्शल आर्ट्स के लिए बात करने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पर जाते ही इन दोनों को भी थोड़ी प्रैक्टिस इनकी भी करवाई थी, पर ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये ज्वाइन करेंगे। इनके मार्शल आर्ट्स की हम बात करके आ गए और उसके बाद अब हम थोड़ा सा घूमने फिरने लग गए और अब जूस पियेंगे। तो जूस पीने के लिए रुके हैं, उन्होंने जूस लेके आ रहे। सो गाइस, अब घर पे आ गए हैं और मैं लेके आई हूँ एक चॉपर। एंड छुकी बकी की बात तो हो ही गई थी, ये चॉपर। और अभी मैं बनाने वाली थी डिनर में पनीर के पराठे, बट नोनी ने कहा कि पनीर हमको पसंद नहीं है, मतलब पनीर नहीं खाएंगे, सिंपल रोटी और दही खाएंगे। तो मैं वही प्रिपेयर करूँगी अभी डिनर के लिए। सो गाइज, अब मैं घर पे आ गई हूँ और अब चेंज करूँगी मैं। सो फ्रेंड्स, मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं बनाऊँगी डिनर। और इसके साथ मुझे एक गुड न्यूज़ और मिली है कि मेरी मेड जो है वो वापस आ रही है गांव से। इतने दिन जो है मुझे करना पड़ रहा था, सारा लोड मुझ पे था, अब वो आ गई है। तो रिलैक्स, माइंड बहुत रिलैक्स है। और सो गाइज, ये वाला चॉपर है जो मैं लेकर आई थी अभी, वही सिंपल चॉपर जो हम जनरली यूज करते हैं, ये वाला। ये मेरा ख़राब हो गया था और ये बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, बट ये इतने ज़रूरी होते हैं कि इनके बिना काम भी नहीं चलता है। सो गाइज, ये है डिनर की इजी पीजी प्लेट। और दही में मैंने जीरा, काला नमक, लाल मिर्च और जीरा डाला है। सो ये है आज का डिनर। गाइज, अब डिनर हो चुका है और मैं लूँगी शावर और उसके बाद करूँगी मैं वीडियो की एडिटिंग। सो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय। गुडनेस, हे गाइस, मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, बट जैसे ही मैं एडिट करने बैठी, बाहर एकदम तेज मौसम बदल गया और इतना तेज तूफान आने लग गया। चलिए मैं आपको दिखा दूँ।
ओह माय गॉड, बिजली देखिए कैसे कड़क रही है बहुत तेज। ओह माय गॉड, और बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। क्लियर नहीं आ रहा है, बिजली तो आपको कड़कती हुई दिख रही होगी ना, देखो। मैं बहुत भीग चुका हूँ अभी, पापा वो अभी बाहर कुछ काम कर रहे थे, मैं सोचा उनके मदद कर लूँ, पर उल्टा मैं गीला हो गया। अभी है ना इस लेवल की बारिश हो रही है कि आदमी है ना पूरा भीग जाए और वो पूरा घर में आ जाए। मैं तो पूरा डर के भाग गया, मतलब इतनी मुझे ठंडी लगी थी बारिश में कि पता ही नहीं, मेरा तो हालत टाइट हो गया मेरा। इतना बारिश बाहर था, एकदम से तूफान आया और ये भीग गया, और इसने आपको बताया ही कि कैसे भीगा, तो अब ये चेंज करेगा नहीं तो बीमार हो जाएगा। चलो जल्दी चेंज कर लो बेटा। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट।